भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवर्षि नारद एक अज्ञ की तरह पूछ रहे हैं कि हे देव हे पिताजी देव देव नमस्ते नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज केवल आप मेरे ही पिता नहीं हैं संपूर्ण जगत के पिता हैं आप सृष्टि करते हैं सृष्टि करता है तद बिजानी ही जद ज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम आप कृपा करके हमको वह ज्ञान दीजिए जिस ज्ञान से आप इस जगत की सृष्टि करते हैं आत्म तत्व का विवेचन कीजिए। मुख्य रूप से इनका प्रश्न सृष्टि के लिए है। यद रूपम यदधिष्ठानम यतः सृष्टम इदम प्रभो यत संस्थम यत परम यश्च यत तत्त्वम वद तत्त्वतः। ये दूसरे श्लोक में प्रश्न कर रहे हैं कि संसार का लक्षण क्या है, क्या स्वरूप है संसार का, इसका अधिष्ठान क्या है, बेस क्या है, कहाँ टीका है, जतः सिस्टम इसका निर्माण किसने किया है, यत संस्थम किस प्रकार इसका प्रलय होता है, यत परम किसके अधीन है, और वास्तव में यह तत्वतः है क्या, सृष्टि जगत है क्या, इसको तत्वतः बतलाइए। जैसे आंवला का एक छोटा सा फल हाथ में रहता है, मुट्ठी में आदमी ले सकता है, वैसे आप संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। ब्रह्मा जी यह अनुभव कर रहे हैं कि मुझको कितना ज्ञान है, लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, जो कुछ हो रहा है होने वाला है उस ज्ञान को आप आंवला की तरह अपने हथेली में लेकर रखे हैं। तो इस प्रकार आप कृपा करके बताइए कि यह ज्ञान आपको कहाँ से मिला। यद विज्ञानो यदा धारो, इतना तो कंफर्म है कि आप सब कुछ जानते हैं, आप कृपा करके बताइए, लेकिन यह जो ज्ञान आपको मिला वो कहाँ से मिला, आपका बेस क्या है, आप भी किसी बेस पर है ना, आपका आधार कौन है, आपको जन्म देने वाला कौन है, आपका स्वामी कौन है, आपका क्या स्वरूप है, आप इसके विषय में बताइए। यत परस्तम यदात्मकम एक सृजसी भूतानी भूते रेवात्म माया, आप अकेले ही इस जगत की सृष्टि करते हैं, आत्मना भाव्य से तानी न पराभावयन स्वयं आत्म शक्ति मष्टभ्य पूर्ण नाभि रिवात्म, पूर्ण नाभि मकड़ी को कहते हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मकड़ी एक जाल बनाती है और बना करके उसमें फंसती नहीं है, एकदम किनारे रहती है, जब ही कोई टच करता है बस किनार हो जाती है, और कभी कभी उस सबको समेट लेती है, खा जाती है खुद। तो उसी प्रकार इस जगत की सृष्टि आपने किया है, इसका विस्तार भी आप करते हैं और विनाश भी करते हैं। सबके ईश्वर आप हैं। स भवान अचरत घोरम यतः तपसु समाहितः, आप संपूर्ण जगत के सृष्टि पालन संहार करते हैं, लेकिन एक शंका हमारे हृदय में है कि इतना महान ईश्वर होकर भी आप तपस्या करते हैं, तपस्या किसके लिए करते हैं, क्या करते हैं सुसमाहित, आप अपने मन को चित्त को एकाग्र करके किसका चिंतन करते हैं। तेन खेद यसे नस्तम परा शंका प्रयक्षसी, मुझे बड़ी शंका हो रही है कि आपसे भी कोई बड़ा है क्या जिसका आप ध्यान करते हैं भजन करते हैं। हे पिताजी आप सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ आप कृपा करके मुझे बताइए, साफ साफ स्पष्ट बताइए जिसे मैं स्पष्ट रूप से जान सकूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तुमने जीवों पर कृपा करके बड़ा सुंदर प्रश्न किया, इसको जानना बहुत जरूरी है कि इस जगत किसने सृष्टि किया है। मूर्खता बस प्रकृति सृष्टि करती है ऐसे नहीं मान लेना चाहिए, बहुत बड़ा ज्ञान है। इस जगत की सृष्टि के विषय में जिज्ञासा करने पर भगवान की महिमा अपने आप प्रकट होता है, कौन जगत का पालन कर रहा है, ठीक समय पर ऋतु परिवर्तन, सूर्योदय, सूर्यास्त, वर्षा, जाड़ा, गर्मी, सबके नाकों तक हवा का सप्लाई, धरती में विविध पेड़ पौधा अन्न फल ये कौन दे रहा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए ना, उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। प्रश्न बहुत अच्छा है, जैसे तुम पूछ रहे हो उस प्रकार का प्रश्न वे लोग करेंगे जिनको भगवान का ज्ञान नहीं है, इसलिए उन मूर्खों के तरफ से तुम अच्छा पूछ रहे हो।
मेरा प्रभाव तो तभी तक है जब तक भगवान को व्यक्ति नहीं जानता है। संसार में जो कुछ भी सूर्य अग्नि चंद्रमा ग्रह नक्षत्र आदि जितने प्रकाशित करने वाले हैं, वैसे ही मैं भी अपने स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर प्रकाश फैला रहा हूँ। देखो, इन ग्रहों में प्रकाश है, सूर्य में प्रकाश है, चंद्रमा में प्रकाश है, नक्षत्रों में प्रकाश है, थोड़ा थोड़ा तेज है जिससे प्रकाश फैलता है। देखने वाला तो यही सोच सकता है कि सूर्य सबसे बड़ा प्रकाश पुंज है, लेकिन यह ज्ञान तब तक है जब तक भगवान को लोग नहीं जानते हैं। भगवान के तेज जो ब्रह्म ज्योति है उसका प्रकाश सूर्य पर आता है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर और अन्य ग्रहों पर। इस बात को जब तक व्यक्ति नहीं जानेगा तब तक तो सूर्य को सबसे बड़ा प्रकाश पुंज कहेगा। उसी प्रकार जैसे अन्य ग्रहों में प्रकाश है थोड़ा थोड़ा, वैसे मेरे पास भी है लेकिन मेरा अपना प्रकाश नहीं है। मैं सबसे पहले भगवान वासुदेव को ध्यान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के पहले एक श्लोक में मंगलाचरण करते हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन माया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरु। इस श्लोक को खास करके वैष्णव लोग बहुत महत्व देते हैं। 12वां श्लोक, तस्मै नमो भगवते, मैं भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ, ध्यान करता हूँ। नमो और धीमहि वासुदेवाय, कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, सबसे पहले प्रणाम करता हूँ और ध्यान करता हूँ, धीमहि। क्या कृष्ण की विशेषता है? तो कहते हैं जन माया दुर्जया, जिनकी दुर्जय माया के प्रभाव से, जिनके माया के प्रभाव से माम ब्रुवंती जगत गुरुम, जिनकी दुर्जर माया के प्रभाव से लोग मुझको जगत गुरु कहते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे जैसे नगण्य व्यक्ति को भी जगत गुरु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मूर्ख है, भगवान की माया उनकी बुद्धि को हर ली है, इसलिए मुझको भी जगत गुरु कह देते हैं। अब बताइए, ब्रह्मा जैसे महान व्यक्ति अगर जगत गुरु कहे जाए तो क्या दिक्कत है? भगवान के बाद तो दूसरा गुरु जगत गुरु वही है ना। लेकिन यह है वैष्णवता, ब्रह्मा जी नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि हम जगत गुरु हैं। आज तो जगत गुरु का बाढ़ आ गया है, सब लोग चाहते हैं कि हम जगत गुरु हैं। ये ब्रह्मा नहीं चाहते हैं कि हम जगत गुरु हैं, कहते हैं कि मूर्ख लोग मुझे भी जगत गुरु कह देते हैं। जो भगवान की दुर्जन माया से मोहित हैं वे लोग मुझको जगत गुरु कहते हैं। यह है ब्रह्मा जी की विनम्रता, वे लोग मुझको जगत गुरु कहते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वास्तव में सारे जगत के एकमात्र गुरु हैं कृष्ण, जिनकी माया ऐसे लोगों को भ्रमित करती है और वह माया उनके सामने टिकती नहीं है। जो जीवों को इस तरह फंसा कर रखती है उनके पीछे रहती है और जीवों को ऐसे फंसा कर रखती है, विमोहिता विकथ्यन्ते ममाहम इति दुर्धिया, ऐसे दुष्ट बुद्धि वाले कमजोर बुद्धि वाले लोग माया से प्रभावित हो करके अहम मम में फंसे रहते हैं। विकथ्यन्ते ममाहम इति दुर्धिया, दुर्धिया कम बुद्धि वाले दुर्बुद्धि लोग अहम मम में पड़े रहते हैं, मेरा है या मैं हूँ, बस इसी में पड़े रहते हैं, इसे ज्यादा नहीं जानते हैं। तो हे नारद, द्रव्यम कर्मम कर्म च कालश्च स्वभाव जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्म न चान्यो अर्थोस्ति तत्त्वतः। बेटा नारद, भगवत स्वरूप नारद, ये द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव, द्रव्य कर्म च कालश्च स्वभाव जीव एव च, ये पदार्थ जितने वृक्ष घर मकान जो भी दिख रहा है, जो भी द्रव्य है, जल ये पंच तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आदि, ये द्रव्य और विविध कर्म है लोगों का, उस कर्मों के प्रभाव से भोगना पड़ता है और एक काल सीमा के अंदर काल और व्यक्ति का अपना जन्म जन्मांतर का संस्कार स्वभाव और कर्ता जीव, ये सब वास्तव में भगवान से भिन्न कुछ नहीं है, सब भगवान की ही माया ऐसे रहे। वासुदेवात् परो ब्रह्म न च अन्यो अर्थ अस्तित्वतः, अगर इन वस्तुओं पर विचार किया जाए तो हे देवर्षि हे नारद कुछ नहीं है, मूल वस्तु है भगवान और उन्हीं की सृष्टि इतना विविध रूप में दिखाई दे रही है। इसलिए उन भगवान के विषय में दो श्लोकों में बोलते हैं, नारायण परावेदा देवा नारायण अंगजा, नारायण परालोका नारायण परामखा, नारायण परो जोगो नारायण परम तपह, नारायण परम ज्ञानम
नारायण परागति ही, ये है ज्ञान, एकदम परफेक्ट ज्ञान भगवान का। वेद नारायण परायण है, नारायण परा वेदा, वेद केवल नारायण की वर्णन करता है। वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यो, वेद के द्वारा जानने लायक वेद्य वस्तु मैं हूँ। और देवा नारायण अंगजा, और देवता भी नारायण के अंग से जन्मे हुए हैं, अंगज हैं, अंग में जन्मे हैं। नारायण परालोका, और समस्त लोक नारायण के प्राप्ति के लिए है। नारायण परा मखा, जितने जग हैं वो जग नारायण को प्राप्त करने के लिए है। नारायण परो जोगो, जितनी जोग तपस्या प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन है उसका पर्यवसान नारायण की प्राप्ति में है। नारायण परम तप, नारायण को प्राप्त करना ही सबसे बड़ी तपस्या है, मतलब तपस्या नारायण के लिए करनी चाहिए। नारायण परम ज्ञानम, ज्ञान का पर्यवसान नारायण को प्राप्त करना है। नारायण परागति, और जितने भी रास्ते हैं साधन जाने के, अंतिम गति है भगवान नारायण। इस प्रकार भगवान के गुणों से रहित अनंत सृष्टि स्थिति और प्रलय किया जाता है, उस सबको भगवान ही गुण को स्वीकार करते हैं। प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके सत्वम रजस तम इति गुणस्य त्रिगुणाश्रय, भगवान ही प्रकृति के इन तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। स्थिति सर्ग निरोधेशु गृहीता माया, भगवान स्वयं प्रकृति के तीन गुण को स्वीकार करते हैं, सत्व रज तम, और उन तीनों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु और शिव का रूप धारण करते हैं। गृहीता ग्रहण करते हैं, भगवान में गुण नहीं है लेकिन अब जरूरत पड़ता है तो गुण स्वीकार करते हैं। अब कोई फल काटना हो तो छुरी ले लेते हैं, चाकू लेते हैं, इसका मतलब थोड़े कि हमेशा चाकू की जरूरत है। तो सबसे पहले भगवान सृष्टि करने की इच्छा से काल के द्वारा गुणों में क्षोभ पैदा करते हैं। निर्धारित काल में जब सृष्टि करने की उनकी इच्छा होती है तो सौम्यावस्था में जो प्रकृति पड़ी रहती है उसको उस समय प्रधान कहते हैं। जब प्रकृति के तीनों गुण एकदम बैलेंस हो जाता है, बराबर सत्व रज तम, कम बेसी नहीं रहता, तब इस प्रकृति को प्रधान कहते हैं। और उस प्रधान की अवस्था में प्रकृति सोए रहती है, पोस्टपोन्ड, अब कोई कार्य हलचल नहीं होगा, प्रलय। तो उस प्रलय की अवस्था में सृष्टि एक बंद रहती है, तो भगवान की जब सृष्टि विस्तार की इच्छा होती है प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है, अर्थात प्रकृति गर्भवती होती है। फिर उसके साथ स्वभाव जो प्रकृति का है उत्पन्न होता है और प्रकृति की क्रिया चालू हो जाती है, जिसको कर्म कहते हैं। कर्म के बाद महत्तत्व, महत्तत्व में ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप विकार उत्पन्न होता है। अहंकार तीन रूप में उत्पन्न होता है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। तो इस अहंकार के तीन रूप है, वैकारिक, तेजस और तामस। तो वैकारिक अहंकार को ज्ञान शक्ति कहते हैं, तेजस को क्रिया शक्ति और तामस को द्रव्य शक्ति। ये द्रव्य शक्ति पंचभूतात्मक है। द्रव्य शक्ति माने पदार्थ, जो भी द्रव्य है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये द्रव्य पंच भूतात्मक सृष्टि चालू होती है। तो वही द्रव्य शक्ति इस सृष्टि के रूप में दिखाई दे रही है। यह सर्ग है, भगवान के द्वारा ये वस्तुएं उत्पन्न होती है। फिर भगवान के बाद ब्रह्मा जी, जिसको एक से एक दूसरा केमिकल चेंजेज करके बढ़ाते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसको विसर्ग कहते हैं। सर्ग का विस्तार विसर्ग है, ब्रह्मा से लेकर आज हम लोग जो विस्तार कर रहे हैं सब विसर्ग है। सबसे पहले एकदम शून्य आकाश प्रकट हुआ, आकाश इस तामस अहंकार से। तो आकाश में शब्द तन्मात्रा, और उसमें शब्द आकाश के अंदर उत्पन्न हुआ, और वह शब्द दृष्टा और दृश्य का बोध कराने वाला होता है। आखिर शब्द रहेगा तभी ना कुछ ज्ञान होगा, जैसे शब्द के माध्यम से हम भागवत के संदेश को बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो शून्य आकाश के अंदर ये शब्द रहता है, आकाश बना और उसमें दृष्टा दृश्य का बोध कराने वाला शब्द, ये तामस अहंकार विकृत हो रहा है। फिर वही उसी आकाश में दूसरी सृष्टि हुई वायु की, हवा, और हवा में स्पर्श, ठंडा है, गर्म है, इंद्रियों की स्फूर्ति, शक्ति, ओज बल, ये सब उत्पन्न हुआ। वायु विकृत होता है तो तेज, अग्नि, अग्नि उत्पन्न होता है। अग्नि में रूप, आकाश और वायु के जो शब्द और स्पर्श इसमें रहते हैं, अग्नि में भी। अग्नि विकृत होकर जल बनता है,
जल में रस और उसके शब्द स्पर्श रूप आदि, और फिर जल विकृत होकर पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर गंध है, पृथ्वी के अंदर ये चारों चीज है वायु आकाश अग्नि आदि। जब प्रलय होता है तो इसी तरह होता है, सबसे पहले पृथ्वी नष्ट होती है, पृथ्वी जल में और जल तेज में, तेज वायु में और वायु आकाश में, इस तरह से विलीन हो जाती है। और विस्तार होता है तो ऊपर से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इस तरह। वैकारिक अहंकार से मन इंद्रियां और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं का निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि उसमें ज्ञान शक्ति है, तो ज्ञान शक्ति इंद्रियों के अंदर देते हैं, चेतनता प्रदान करते हैं, और उन इंद्रियों के अलग अलग अधिष्ठात्री देवता हैं। इसका फिर डिटेल तीसरे स्कंध में वर्णन करेंगे मैत्रेय मुनि। फिर तेजस से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, क्रिया शक्ति, हाथ पैर काम करने की शक्ति होती है। इस प्रकार जगत की सृष्टि चलती है। यदैते असंगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदा यतन निर्माणे न शेकु ब्रह्मवीतम। हे ब्रह्मवीतम, हे देवर्षि, हे नारद, जिस समय पंचभूत इंद्रिय मन आए सत्व रज तम गुण और ये परस्पर एक साथ नहीं हुए थे, अलग अलग थे, तो ये सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था, बढ़ नहीं रहा था, क्योंकि अकेले में बल नहीं होता है। एक बहुत बड़ी शिक्षा ब्रह्मा जी दे रहे हैं। जब ये अलग अलग सृष्टि थे, सर के रूप में प्राप्त हुए थे, तो उसमें कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं था, न शरीर का निर्माण हो रहा था और न कोई क्रिया हो रही थी, सब अलग अलग ऐसे चल रहा था। भगवत शक्ति चोदिता, जब भगवान फिर स्पेशल शक्ति दिए और उस सारे वस्तु एक साथ संगठित होने लगी, एकजुट हुई, संगठन बना, तो उस सोसाइटी से सृष्टि चलने लगी। और आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि और समष्टि रूप पिंड ब्रह्मांड बनना चालू हुआ। व्यष्टि और समष्टि, एक एक व्यक्ति के शरीर का निर्माण, एक आदमी का, एक पशु का, एक एक शरीर बनना, उस शरीर में भी जो तत्व की जरूरत है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, छोटे स्तर पर एक शरीर का निर्माण हुआ, उसको कहते हैं व्यष्टि व्यक्ति। और सब संसार पूरा ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव समुदाय भर करके एक पिंड तैयार होता है, उसको कहते हैं समष्टि। संपूर्ण ब्रह्मांड को समष्टि और एक व्यक्ति विशेष को व्यष्टि। तो भगवान प्रेरणा किए, प्रेरित किए अपनी शक्ति से और सबके अंदर संगठन की भावना भरे, तब जाकर सृष्टि हुई। कोई भी संस्थान, कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज तब तक नहीं चल सकता है जब तक एक दूसरे में मिलकर कार्य करने की भावना न हो। ब्रह्मा के शरीर से मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए, दाहिने अंग से, दाहिने भुजा से मनु महाराज स्वयंभुव मनु और बाएं अंग से शत्रुपा, और फिर दोनों को आपस में विवाह कराकर फिर सृष्टि प्रारंभ किए। और परस्पर दोनों में एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे से सौहार्द करने की शक्ति भगवान दिए। भगवान कृपा करके शक्ति देते हैं तब दोनों में एक दूसरे को प्रेम व्यवहार होता है। ये भगवत शक्ति चोदिता, भगवान ऐसी प्रेरणा करते हैं कि एक साथ मिलकर काम करो। तदा संहत्य चानोन्यम भगवत शक्ति चोदिता। इसलिए अपने समाज, अपने संगठन के लिए आपस में तो प्रेम व्यवहार होना ही चाहिए, और इस प्रेम व्यवहार के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आप कृपा करके हमारे संगठन को ठीक से रखिए, जिससे हम आपकी सेवा कर सकें। कि संपूर्ण विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को एक पिंड के रूप में अगर विचार किया जाए तो ये सारा ब्रह्मांड भगवान के अंग है, जैसा कि पहले वर्णन हो चुका है। विद्वान पुरुष उपासना की दृष्टि से इस ब्रह्मांड के अंगों में भगवान के अंग की परिकल्पना करके इस तरह से चिंतन करते हैं, भगवान के शरीर की कल्पना करते हैं कि उनके कमर के नीचे पाताल आदि है, ऊपर स्वर्ग की कल्पना है, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण निकले हैं, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र, इस तरह की कल्पना, जैसे कि पहले वर्णन हो चुका है, उसी बात को ब्रह्मा जी संक्षेप में बताते हैं। मनीषी लोग
इस ब्रह्मांड को भी भगवान का बाह्य शरीर मानकर विराट पुरुष की कल्पना करके चिंतन करते हैं। इस प्रकार विराट भगवान के अंगों में लोकों की कल्पना की जाती है, उनके चरणों में पृथ्वी, नाभि में भूलोक और सिर में स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक मतलब ऊपर के लोक, पाताल आदि नीचे के लोक और बीच में पृथ्वी, इस तरह की परिकल्पना करते हैं। वेद निकलता है भगवान के मुख से, भगवान के मुख से ब्राह्मण निकलते हैं, भगवान के मुख से अग्नि देवता भगवान के मुख स्वरूप है। भगवान की जिह्वा में जितने रस है पृथ्वी में, रस अन्न और रस इंद्रिया, रस को लेने वाले इंद्रिय मुख जीभ ये सब है, और उसके अधिष्ठात्री देवता। भगवान के नासिका से श्वास निकलता है और प्राण वायु ऑक्सीजन जो लोगों को जीवन शक्ति देता है, विविध प्रकार के औषधियां जिसे खाकर व्यक्ति जीवित रहता है, गंध टेस्ट निकलता है। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार निकलते हैं, और नेत्र से सूर्य संपूर्ण जगत को देखने की क्षमता नेत्र में है, और सूर्य के अंदर प्रकाश स्वर्गाधिक लोक। कान से समस्त दिशाएं आकाश और आकाश में रहने वाले शब्द, और भुजाओं से लोकपाल आदि जो जगत की पालन करते हैं, जो भगवान के शरीर के रोए हैं वो है वनस्पतियां। अहम भवान भवस चैव तइमे मुनयो ग्रजा, बारहवा श्लोक में सुरा सुर नरा नागा खगा मृग सरीसृपा। इसलिए मैं कहाँ तक गिनाऊ देवर्षि, अहम भवान मैं तुम भव शिव भवस चैव तइमे मुनयो ग्रजा, और बड़े भाई शनकादि आदि, असुरा देवता लोग, असुर लोग दैत्य लोग, नरा मनुष्य, नागा नाग लोग, खगा पक्षीगण, मृग पशुएं और सरीसृपा विविध प्रकार रेंगने वाले सांप बिच्छू आदि जो भी हैं, गंधर्व अप्सरसा यक्षा रक्षो भूत गणोरगा पशव पितर सीधा विद्या धा चारणा द्रुमा। जितने राक्षस भूत प्रेत सर्प पशु पक्षी सिद्ध मुनि चारण वृक्ष और इसके साथ और भी विविध अन्य च विविधा लोका जलस्थल नभौ कसा, आकाश में जल में स्थल में रहने वाले जितने जलचर हैं, नभचर हैं, स्थलचर हैं, जितने जीव हैं, सारे जीव ग्रह नक्षत्र सब कुछ भगवान के द्वारा प्रकट होते हैं, सब विराट पुरुष के ही परिवर्तित रूप है। जो ब्रह्मांड का स्वरूप है विराट पुरुष, वही संपूर्ण विश्व के रूप में है, और यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब भगवान विराट पुरुष के अवयव है, अंग है। इन बातों के साथ फिर आगे कहते हैं, उन्हीं भगवान की प्रेरणा से, उन्हीं के द्वारा दिए गए ज्ञान से, उनके दिए गए पदार्थों से इस जगत की सृष्टि करता हूँ, उन्हीं के अधीन होकर रुद्र जगत की संहार करते हैं, और वही भगवान सृष्टि और संहार तो दूसरे के जिम्मे दे दिए हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं है कि पालन भी दूसरा कर देगा, इसलिए स्वयं पालन करते हैं विष्णु रूप में। त्रिजामी तन युक्तो हम हरो हरति तद वस, 31 श्लोक में विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृक, और इस प्रकार इति ते भीतम तात यथे दम अनुप्रीक्षसी नान्यत भगवत किंचित भाव्यम सदसदात्मकम। हे बेटा, जो तुमने पूछा उसको मैं संक्षेप में बता दिया, अब न अन्य भगवत किंचित भाव्यम सदसदात्मकम, भाव अभाव कार्य कारण जो कुछ भी है कोई अन्य वस्तु नहीं है, सब कोई भगवान से भिन्न नहीं है। न भारती में मृगोपलक्षते न वही क्वचिन में मनसो मृषागति, न में श्री कार्य पतंथ सतपथे यन में हृदय उत्कंठ वता धृतो हरि। हे अंग, हे प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण और उत्कंठित हृदय से भगवान का स्मरण करता हूँ। न वै क्वचिन में मनसो मृषागति हृदौत कंठवता धृतो हरि, यन में मैं अपने हृदय से भगवान के उन महान गुण को स्मरण कर रहा हूँ जिससे मेरी बाणी कभी असत्य नहीं होती है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ जिनके कृपा से। न भारती में मृषोपलक्षते, मेरी बाणी मृषा नहीं हो सकती, मैं जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ क्योंकि मेरा मन सत संकल्प भगवान का स्मरण करता है, मैं भगवान की आज्ञा का पालन करता हूँ। हे देवर से, मैं भगवान को उत्कंठित हृदय से सदा स्मरण करता हूँ। जस्यावतार कर्माणी गायंती ह्यस्मदादय यम न विंदंती तत्व न तस्मै भगवते नमः। हम लोग केवल उनके द्वारा किए गए लीला को गाते रहते हैं, उनके तत्व को जानते नहीं हैं।
करते हैं उसको हम याद करते हैं, कहते हैं वो करते हैं। आद्यो अवतार पुरुष परस्य काल स्वभाव सदसन मनस्य द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणी विराट स्वराष्ठानु चरिष्णु भूमन अहम भव जग इमे प्रजेसा। इस सृष्टि में मैं हूँ, शिव है और प्रजापति लोग दक्षा दयो ये भवदादयश्च स्वलोक पाला खगलोक पाला निलोक पाला तल्लोक पाला गंधर्व विद्याधर चारणेशा ए यक्ष यक्षो रनागनाथा एवा ऋषिणाम ऋषभ पितृणाम दैतेन्द्र सीधे स्वरदानवेन्द्रा अन्य चये भूत पिशाच भूत कुष्मांड यादो मृग पक्ष धीसा। जितने सृष्टि के लीडर हैं सबका नाम गिन रहे हैं, मैं शंकर दक्ष प्रजापति तुम और तुम्हारे जैसे और भक्त समाज स्वर्ग लोक के रक्षक देवता लोग इंद्र आदि पक्षियों के राजा मनुष्यों के राजा नीचे के पताल आदि के राजा गंधर्व विद्याधर चारण के अधिनायक यक्ष राक्षस सांप महर्षि पितृपति दैतेन्द्र सिद्धेश्वर दानवराज जितने लीडर हैं सारे लीडरों की बात मैं कहता हूँ। यत किम चलो के भगवान महस्व ओद सहस्वत बलवत क्षमावत श्री हिरी विभूत्यात्म वदत भूतारणम तत्वम परब रूप वद स्वरूपम। इस प्रकार हे देवर से सबके सब परम तत्व भगवत स्वरूप हैं, उनसे भिन्न कुछ नहीं है। जिनके अंदर जो कुछ भी शक्ति देख रहे हो भगवान की शक्ति है, किसी के पास कुछ नहीं है। इसलिए प्रधान यतो या निशी निशम आमनंती लीला अवतारन पुरुषस्य भूमन आपी यताम कर्ण कषाय सोसा अनुक्रमिष्ये नईमान सुपेशान। हे नारद, सबसे अच्छी बात यह है कि इस चक्कर में न पड़ा जाए। भगवान जो मधुर लीला करते हैं उन्हीं लीला कथाओं का वर्णन करना चाहिए और उसी को सुनना चाहिए। मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ और तुम प्रेम से सुनो, और कुछ नहीं है। इसी में सबसे बड़ा रस है। प्रधान यतो या निशामनंती लीला अवतारान पुरुषस्य भूमन आपी यताम कर्ण कषाय सोसा। यह जो भगवान की परम प्रधान लीला है वह श्रवण इंद्रिया के कषाय को दूर करती है, हृदय के गंदगी को, कान में जो सुनने की आदत पड़ गया है दुनिया भर के थर्ड क्लास के कचरा, उस कषाय को दूर करती है। ये ऐसी औषधि है कि कान के माध्यम से जाकर संसार की वासनाओं से भरा हुआ जो कषाय हृदय में है उस कषाय को सोख लेती है। अनुक्रमेशता इमान सुपेशान, और दोषों को दूर करके हृदय को पवित्र करती है। तो ब्रह्मा जी कृपा करके देवर्षि नारद को अवतारों की कथा कहते हैं कि देखो सृष्टि के प्रारंभ में यह पृथ्वी परलय जल में डूबी हुई थी। जब हिरणाक्ष इसको छिपा दिया था तब भगवान आदि दैत्य हिरणाक्ष का वध करने के लिए वराह रूप में अवतार लिए। आकुति रुचि प्रजापति से ब्याही गई और उसके गर्भ से भगवान यज्ञ पुरुष का अवतार हुआ। यज्ञ पुरुष अवतार लिए और दक्षिणा नामक पत्नी से सुयम नामक देवताओं को उत्पन्न किए और वे स्वयंभू मनु के शासन काल में हरि नाम से जाने गए, मन्वंतरावतार भी हुए। भगवान यज्ञ पुरुष स्वयंभू मनु के समय मन्वंतरावतार के रूप में रहे, इसके साथ साथ इंद्र का भी कार्य संभाले और तीसरे अवतार में करदम मुनि के यहाँ भगवान कपिल देव के रूप में आए देवती के गर्भ से और सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन किए। चौथे अवतार में भगवान अत्रि मुनि के यहाँ दत्तात्रेय जी के रूप में अवतार लिए और फिर पांचवें अवतार में ब्रह्मा जी के द्वारा तप की शिक्षा देने के लिए सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में भगवान का अवतार, जिन्होंने तप को सबसे महत्व दिया और इस अवतार में आत्म तत्व और भगवत तपस्या भगवान के लिए घोर तपस्या की शिक्षा दिया। छठवें अवतार में धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से भगवान का एक अवतार हुआ नर नारायण, भगवान नर नारायण। इन्होंने भी तपस्या का प्रभाव दिखाया, बद्रिकाश्रम में आज भी तपस्या करते हैं और भारतवासी उनकी आराधना करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जब पेन के शरीर का मंथन किया गया और उसके शरीर से भगवान का एक शक्त्यावेश अवतार हुआ पृथु महाराज, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया गाय के रूप में और सारे औषधियों को सारे विभाग अध्यक्षों को अपना अपना हिस्सा सौंपा। इसके बाद आठवां अवतार के रूप में भगवान महाराज नाभि के द्वारा मेरु देवी या सु देवी
दोनों नाम है, उनके गर्भ से भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ, जिन्होंने परमहंस चर्या की प्रवर्तन किया जगत में। और जिस भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। 9वें अवतार में भगवान यज्ञ पुरुष हयग्रीव के रूप में अवतार लिया और उस समय वेद वाणी को प्रकट किया, रक्षा किया। ब्रह्मा जी सो रहे थे, उनके मुख से वेद निकल रहा था और उसको कुछ राक्षस खाने के फेर में थे। भगवान उन राक्षसों का वध किए और रक्षा किए। उनके मुख से वेद निकला है इसलिए वेदमय है। छंदोमय मखमयो अखिल देवतात्मा। 10वें अवतार में भगवान मत्स्य रूप में अवतार लिए चाक्षुष मनवंतर में। जब सत्यव्रत महाराज जल में तर्पण कर रहे थे तो वहाँ भगवान मत्स्य के रूप में आए और पूरा प्रलय काल में विशाल नौका दे करके मनु महाराज को, सत्यव्रत महाराज को पूरे प्रलय जल में नौका विहार कराए। 11वें अवतार में कश्यप रूप में भगवान का अवतार हुआ क्षीर समुद्र मंथन के समय। पृष्ठेन कश्यप बपुर विदधार गोत्रम, जब मथा जाने लगा तो निद्रा क्षणो दिपर्वत कसाय कंडू। लग रहा था भगवान कश्यप देव को कोई बड़ा मुलायम हाथ से पीठ खुजला रहा और भगवान को निद्रा आ गई। आनंद से सो गए, पीठ पर पर्वत रगड़ा जा रहा है और नींद लग गई। ये है भगवान। इसके बाद देवताओं का महान भय दूर करने के लिए, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान का एक अद्भुत अवतार हुआ नृसिंह देव। एक बार एक गजेंद्र जल में डूब रहा था और उसको ग्राह पकड़ लिया था। उस समय भगवान चक्रपाणि गरुड़ पर सवार होकर के उसकी रक्षा किए थे, उसकी भी चर्चा करते हैं। वह भगवान हरि को पुकारा था, उस समय भगवान तत्काल आए थे, उसकी रक्षा किए। भगवान अदिति के पुत्रों को, इंद्र आदि को स्वर्गीय संपत्ति देने के लिए वामन देव के रूप में आए और बलि महाराज के यज्ञ में 3 डेग पृथ्वी की याचना किए। इस प्रकार देवताओं का कार्य पूरा किए वामन देव के रूप में और सारे जगत को 3 डेग में नापे त्रिविक्रम के रूप में। एक अवतार हंस के रूप में, तुम लोगों ने जिज्ञासा किया था आत्म तत्व को प्रकाशित करने के लिए, मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया। उस समय भगवान हंस रूप में प्रकट होकर के तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया था। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय अमृत लेकर के भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। इस तरह भगवान के महान अवतारों की चर्चा कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि इस संसार में ब्राह्मण द्रोही जब क्षत्रिय बढ़ गए थे, जो वैदिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे थे, अधर्म बढ़ गया था, तो भगवान परशुराम के रूप में एक ऋषि ब्राह्मण के अंदर सत्यावेशावतार के रूप में आए और 21 बार अपने फरसे से क्षत्रियों का संहार किए। सूर्य वंश में भगवान का अवतार हुआ श्री राम के रूप में। 4 अंश में अवतार लिए श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और इस अवतार में वो पिता की आज्ञा पालन किए, अपने भाई लक्ष्मण के साथ और अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास गए। बहुत महान महान काम किए, समुद्र पर पुल बांधे, रावण का वध किए। उनके समुद्र बंधन की एक घटना की चर्चा करते हैं कि जिस समय भगवान समुद्र से रास्ता मांग रहे थे और वह रास्ता नहीं दे रहा था, तो भगवान राम क्रोधित होकर के जब समुद्र पर देखने लगे तो समुद्र खोल उठा। भगवान की महिमा कहना है, ब्रह्मा जी का अभीष्ट है भगवान की महिमा का वर्णन करना, तो कह रहे हैं कि समुद्र खोल उठा। रावण के विषय में एक प्रसिद्ध बात कह रहे हैं कि जिस समय रावण स्वर्गीय देवताओं पर कब्जा करने के लिए इंद्र से लड़ने के लिए गया था, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस समय जब रावण अपने धनुष का टंकार किया, गजराज पर चढ़कर, ऐरावत पर चढ़कर जब इंद्र आए सामने, तो अपने ऐरावत को उकसाए और रावण अपना कठोर छाती फैलाकर खड़ा हो गया और ऐरावत अपने महान दांतों को रावण के छाती में टकराया और उसके दांत ऐसे चूर्ण चूर्ण हो गए जैसे मानो आटा की तरह फैल गया। एकदम ऐरावत का दांत ही टूट गया, एक दो टुकड़ा नहीं, चूर्ण हो गया, एकदम धूल हो गया। रावण का घमंड बढ़ा हुआ था। बक्षस स्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्र वाह, लेकिन ऐसे रावण को सद्यो असभिषह विनेशति दार हरतु, जब उनकी पत्नी को चुराया तो उनके विस्फुर्जित धनुष के टंकार से उसका घमंड चूर्ण हो गया और उस रावण का भी विनाश किया गया भगवान राम के द्वारा। भगवान की महिमा कहना है तो पहले रावण की महिमा कह रहे हैं कि इतने विशाल शक्तिशाली रावण को भगवान ने एक बाण में नष्ट कर दिया। इसके बाद कृष्ण बलराम कथा करते हैं।
जिस समय झुंड के झुंड दुष्ट दैत्य चारों तरफ पृथ्वी पर बढ़ गए थे, उस समय भगवान कृष्ण और बलराम के रूप में यदुवंश में अवतार लिए। भगवान ने पूतना नामक राक्षसी को 6 दिन के अवस्था में वध किया। 3रे महीना में बहुत भारी छकड़ा को उलाटा, शक्तासुर का वध किया। फिर कुछ महीनों के बाद जमलार्जुन वृक्ष के भीतर घुसकर उसको उखाड़े, नल कुबर मणिग्रीव का उद्धार किए। फिर बाद में भगवान बचपन में ही ब्रज में कालिये का दमन किए, कालिये जो जमुना के जल को दूषित किया था और जिस जल को पीकर बछड़े और गायें मर चुकी थी उनको अपने दृष्टि से ठीक कर दिए। फिर आगे भगवान एक दिन दवानल का पान किए, वन में आग लग गया था उसको भगवान पी लिए। एक बार उसी भगवान को जब नटखट व्यवहार कर रहे अपनी माँ के साथ, तो माँ ने उसको उनके उदर में रस्सी लगा दिया, उनका नाम हुआ दामोदर। एक बार माँ यशोदा जम्हाई लेते समय अपने पुत्र के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखी थी, भयभीत हो गई थी। फिर भगवान ने अपनी वात्सल्य शक्ति संपादित करके माँ का यह मोह अज्ञान दूर किया। और एक बार नंद बाबा अपने लाले लाल के कृपा से वरुण पास से मुक्त हुए थे और समय में जमुना में स्नान करने चले गए और चले गए वरुण के पास, तो वहां जाकर भगवान ने उनको छुड़ाया। फिर आगे एक बार परंपरा से होने वाली जो इंद्र यज्ञ चल रही थी, इंद्र का यज्ञ साल में, उसको बंद करा के गिरिराज गोवर्धन का पूजन कराए। और इस पर जब इंद्र क्रोधित होकर वर्षा करने लगा तो भगवान ने गिरिराज धारण किया। देखिए, सब अवतारों की चर्चा किए लेकिन थोड़ा थोड़ा टच करते हैं। आज जब कृष्ण के विषय में आते हैं तब ब्रह्मा जी अब इसमें रम गए। कहते हैं गोवर्धन पर्वत को एक साधारण पौधे की तरह, साधारण छत्रक पुष्प कुकुरमुत्ते की तरह, बरसाती पौधे की तरह उखाड़ लिए। तो इस प्रकार वृंदावन में विहार करते हुए श्री कृष्ण विविध प्रकार से अपने गोप सखाओं के साथ, गोपियों के साथ विहार किए और एक दिन शरद पूर्णिमा के दिन गोपियों के साथ महारास किए। इन कृष्ण लीलाओं का स्वादन कर रहे हैं। कहने का मतलब कि हे नारद, इन्हीं सब लीलाओं में रमण करना चाहिए। एक समय की एक घटना का और जिक्र ब्रह्मा जी करते हैं कि एक बार दोनों भाई कृष्ण और बलराम एक पर्वत पर गान कर रहे थे, बड़े आनंद के साथ संगीत चल रहा था रात्रि के समय, और वहाँ भी गोपियाँ कुछ आई हुई थी, उनके गान सुन सत्संग चल रहा था। बस कुबेर का एक सेवक शंख चूर्ण था और कुछ गोपियों को उठाकर लेकर भाग चला। जब चिल्लाई तो बलराम जी चले मारने के लिए और बलराम उसको शंखचूर्ण को मार करके उसके सिर से मणि निकाले और ला करके कृष्ण को दे दिए। कह रहे हैं इस प्रकार परलम्बासुर, धेनुकासुर, बक्कासुर, अरिष्टासुर, केशी, चाणूर और मुष्टिक, कुबलया पीड़, कंस, कालजवन, भौमासुर, मिथ्या झूठा वासुदेव जो काशी से आया था, साल, दिविद, बलवल, दंतपक्त, नाग्नजीति के 7 बैल, संबासुर, संबरासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि अनेक दुष्ट राजाओं को युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण और बलराम ने उनका वध किया। और उनके कृपा से, भगवान के मारे जाने से सभी भगवत धाम चले गए। व्याजवायन हरिणा निलयम तदीयम, सब मारे गए, सबका नाश कर दिए भगवान। कहते ना ना, निलयम वैकुंठ चले गए, तदीयम अपने धाम भेज दिए। यह भगवान का अवतार हुआ। फिर काल के फेर से, समय के फेर से, काले न मिलित धिया अवशिष निर्णाम तो का जुसाम स निगमो बत दूर पारह, जब काल के प्रभाव से वेद का ज्ञान, भगवान का ज्ञान लुप्त होने लगा तो वही भगवान कृपा करके सत्यवती के गर्भ से पराशर ऋषि के द्वारा व्यास के रूप में अवतार लिए और उन्होंने वेद शास्त्रों को लिपिबद्ध किया। ये भगवान का 21वां अवतार है। फिर आगे वेद मर्यादाओं को वेद मार्ग का सहारा लेकर कि वेद में हिंसा है, पशु वध है, गो वध, अश्वमेध, गो मेध, तरह तरह का मेध वर्णन किया गया है, इसलिए तमोवृत्ति वाले लोग हिंसा करने लगे। वेद का सहारा लेकर, रिफरेंस वेद का देते थे। तब भगवान कृपा करके उन लोगों की बुद्धि जो मोह में और लोभ में, लुलुपता में, मांस खाने में पड़ी हुई थी, उनको दूर करने के लिए भगवान ने अवतार लिया बुद्ध रूप में। और वेद की मर्यादा को छोड़ो, स्वाभाविक विचार करो, आत्मोत व्यवहार करो, अहिंसा परमो धर्म, ये प्रवचन किए।
विचार करो, एक छोटा सा कांटा शरीर में गड़ने पर दर्द होता है और किसी का सिर काटने पर दर्द नहीं होता। वाणी का इतना महत्व हुआ भगवान बुद्ध का कि सारे लोग उस वैदिक अवलंबन को छोड़कर बौद्ध परंपरा को स्वीकार कर लिए। तो इस प्रकार ये उपधर्म का उपदेश करेंगे। उपधर्म का उपदेश इसलिए किया कि वेद के सहारे अधर्म हो रहा था, तो उस अधर्म को रोकने के लिए उपवेद उपधर्म का वास्तविक धर्म का उपदेश बौद्ध धर्म नहीं है। वैदिक रिफरेंस के सहारे जो पाप हो रहा था उसको रोकने के लिए भगवान बुद्ध देव आए। और इसके बाद फिर आगे जब और पाखंडी लोग बढ़ जाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी शुद्ध प्राय हो जाएंगे, स्वाहा स्वाधा सब खत्म, कोई जग वैदिक मंत्र नहीं रह जाएगा, कहीं सुनाई नहीं पड़ेगा स्वाहा महा कुछ भी, तब उस समय कलयुग में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बढ़ जाएंगे, तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे और अपना तलवार उठाएंगे और घोड़े पर चढ़कर ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का नाश करेंगे। तो हे प्यारे नारद, उस परम पुरुष की जोग माया अद्भुत है। इस संसार की रचना का जब समय होता है वही भगवान प्रजापति के रूप में, मरीचि के रूप में, ऋषियों के रूप में सृष्टि विस्तार करने के लिए, रक्षा करने के लिए, वही धर्म रूप है, वही विष्णु रूप है, वही मनु रूप है, वही देव रूप है, वही राजा रूप है, इस जगत में आते हैं और विभिन्न प्रकार से अपने शक्ति का प्रदर्शन करके सृष्टि चलाते हैं, पालन करते हैं। कहते हैं विष्णु न बीर्ज गणनाम कतमो हति यह पार्थिवान्यपि कविर विममे रजांसी। हे नारद, इस पृथ्वी को पूरा पूरा चूर्ण बना दिया जाए, पूरा पीस कर सारा पहाड़ पेड़ पौधा सबको एक धूल बना दो। और इसके बाद बैठ करके बड़े बड़े विद्वान लोग गिनने लगे, 1 2 3 ऐसे करके, और पूरा धूल कण गिन लिया जाए। हो सकता है कि किसी दिन गिनती समाप्त हो जाएगा, काउंटिंग पूरा हो जाएगा, लेकिन भगवान कितना शक्तिशाली है, कितना महान है, कितनी उनकी महानता है, इसको नहीं गिना जा सकता है। विष्णु के बीर्ज को नहीं गिना जा सकता है, पृथ्वी को चूर्ण बनाकर गिना जा सकता है, ये भी असंभव है, गिना नहीं जा सकता है, लेकिन असंभव बात को कह रहे हैं। ये हो सकता है गिना जा सके, लेकिन भगवान के गुण नहीं गिने जा सकते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस जोग माया को मैं जानता हूँ और भगवान की कृपा से तुम भी जानते हो, भगवान शंकर जानते हैं और लोग भी जानने वाले हैं। भगवान की कृपा से भगवान के उस जोग माया को, परम पुरुष को बहुत लोग जानते हैं। कौन कौन? हम जानते हैं, तुम जानते हो, शिव जी जानते हैं, प्रहलाद जानते हैं, मनु, मनुपुत्र प्रियव्रत, प्राचीन बरही, रिभु, ध्रुव, इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, जजाति, मंधाता, अलर्क, सद्धन्वा, अनु, रंती देव, भीष्म पितामह, बलि, अमूर्त, दिलीप, सौभरी, उतंग, सिवी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिशेण, विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, अष्टिशेण, विदुर, सुखदेव आदि महात्मा जानते हैं। इसलिए बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले भगवान हरि की महिमा को मैं संक्षेप में वर्णन किया, इसको इसी रूप में जानना चाहिए। जो मैं तुमको उपदेश दे रहा हूँ यही है श्रीमद् भागवतम। इस श्रीमद् भागवतम को भगवान हरि ने सबसे पहले मुझको दिया था और वही मैं संक्षेप में तुमको दे रहा हूँ, और तुम इसका विश्वास के साथ वर्णन करो। और जो पुरुष भगवान की इस अचिंत शक्ति माया का वर्णन और इसके द्वारा इसका अनुमोदन और श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण कीर्तन करते हैं, वे भगवान की माया से मोहित नहीं होते हैं। मायाम वर्ण्यतो अमुष्य ईश्वरस्यानुमोदत श्रृण्वत श्रद्धया नित्यम माया तात्मान मुह्य। और इस प्रकार भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। तो महाराज परीक्षित पूछते हैं कि आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ कि भगवान के गुणों का वर्णन जो नारद जी को किया गया, किस रूप में उनको उपदेश दिए ब्रह्मा जी। चतुर्थ श्लोकी भागवत के विषय में इनका संकेत है, आप कृपा करके उसको बताइए। श्रृण्वत श्रद्धया नित्यम गृणत स्वचेषितम काले नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। जो लोग भगवान की लीला कथा को श्रद्धा के साथ नित्य सुनते हैं,
बोलते हैं तो उनके हृदय में श्रवण और कीर्तन के प्रभाव से काले नाति दीर्घे नाति दीर्घे न काले न, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। भगवान बिसते हृदय, भगवान हृदय में स्फुरित होने लगते हैं, अनुभव होने लगते हैं कि भगवान है। भगवान बिसते हृदय, हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। प्रविष्ट कर्ण रंधे न, जब कथा कान के माध्यम से स्वानम भाव सरोर हम तो धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य जथा शरत। तो जब कान के माध्यम से कृष्ण कथा प्रवेश करती है तो हृदय के गंदगी को वैसे साफ कर देती है जैसे शरद ऋतु सरोवर के जल को। शरद ऋतु में सरोवर के पानी साफ हो जाते हैं, कोई सफाई नहीं किया जाता है, फिल्टर नहीं लगाया जाता है, लेकिन पानी अपने आप शरद ऋतु के आते ही साफ हो जाता है। वैसे ही कृष्ण कथा जब हृदय में कान के माध्यम से प्रवेश करती है तो हृदय की गंदगी अपने आप समाप्त। धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। जब उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, कृष्ण पाद के मूल को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता है। मुक्त सर्व परिक्लेश पांत स्वशरणम जथा। और जैसे पथिक आता है अपने घर में शांति का अनुभव करता है, दिन भर थका है चलते चलते घर में आकर विश्राम करता है, वैसे जीव कृष्ण के चरणों को प्राप्त करके सुखी हो जाता है। इस तरह से कथा की महिमा कह रहे हैं और उसमें पृथ्वी आकाश पताल नदी पर्वत इसमें जीव समुदाय सारे ब्रह्मांड के भीतर उसके बाहर तरह तरह के आश्चर्यमय भगवान की लीला है, कथा है, उसको आप कहिए, विस्तार से कहिए। सृष्टि की कथा तो कहिए, भगवान की अवतार की कथा भी कहिए। जुगानी जुगमानम च धर्मो यश्च जुगे जुगे अवतारानुचरितम यदाश्चर्य तमम हरे। भगवान जुग जुग में आकर सृष्टि को कंट्रोल करते हैं, पालन करते हैं, इस कथा को कहिए, भगवान के अवतार की कथा कहिए। इस तरह से जिज्ञासा करते हैं, एक एक अवतार पर जिज्ञासा, और जिस कथाओं को सुनने की जिज्ञासा कर रहे हैं कहते हैं मनुष्यों के साधारण विशेष कौन कौन धर्म है, व्यक्तिगत धर्म विशेष धर्म बतलाइए। निर्णाम साधारणो धर्म सब विशेष से यादृश, नित्य धर्म नैमितिक धर्म सब बताइए। अलग अलग लोगों का अलग अलग धर्म है, सब सब विषय में बताइए। और विभिन्न प्रकार के लोगों का कोई एक साधारण जनरल जीवन का धर्म क्या है, आपत्कालीन धर्म क्या है, तत्वों की संख्या कितना है, उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप लक्षण क्या है, विविध प्रकार के काम में कर्म, विविध प्रकार के धर्म, कुआं बनवाना, बावली, अस्पताल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, इन सब साधनों का क्या फल होता है, इस जीव प्रलय काल में कहाँ रहता है, कैसे विलीन होता है प्रकृति के गुणों के साथ, पाखंड क्या है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, आप पाखंड के साथ बंधन को बताइए, मोक्ष को बताइए, किन कार्यों के कारण व्यक्ति बंध जाता है और कौन उपाय करने पर छूट जाता है। इस प्रकार भगवान परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से जगत में सृष्टि करते हैं, वो वशीभूत नहीं है, अपनी स्वतंत्र इच्छा से करते हैं, पालन करते हैं, फिर उदासीन कैसे हो जाते हैं, सारे प्रश्नों का रिजल्ट है भगवान की महिमा। भगवान की भगवत्ता सुनना चाहते हैं। सर्व मेतस्य भगवान पृच्छते मेन पूर्वसः तत्ततो अर्ह्य सुदाहर तुम प्रपन्नाय महामुने। हे भगवान, मैं आपसे जो पूछा है, मैं आपके शरण में हूँ, आप कृपा करके क्रमशः सबका निरूपण कीजिए। इस विषय में स्वयंभू ब्रह्मा के समान आप प्रमाण है। अत्र प्रमाणम ही भवान परमेष्टि यथात्म भू परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेशाम पूर्वजई कृतम। इस परंपरा से सुनी गई बात को आप बताइए। पूर्वेशाम पूर्वजई कृतम, जैसे पूर्वजों ने सुनाया है, ब्रह्मा जी सुनाए, भगवान सुनाए, ब्रह्मा सुनाए, ब्रह्मा से नारद जी सुनाए, और नारद जी के बाद व्यास जी सुने, व्यास जी आपको सुनाया, तो जैसी आपने सुना है परंपरा से उस कथा को कहिए। कहते हैं कि हे ब्रह्मन, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें, मुझे भूख प्यास नहीं लगी है, मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के साप के अतिरिक्त और किसी कारण से प्राण अब निकलने वाला नहीं है। 7 दिन मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा तो नहीं मरूंगा, जब तक ब्राह्मण का वह साप नहीं आ जाएगा तब तक मैं जीवित रहूंगा, और उसके बीच में पीबतो च्यूत पीयूष, आपके मुख से चूता हुआ अमृत पी रहा हूँ, बतलाइए कहाँ मृत्यु होने वाली है। इस प्रकार जो भी प्रश्न किया गया था उनसे, उनके प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देने लगे।
त और प जो सुनाई दिया, इसको सुन करके ब्रह्मा जी सोचने लगे इस शब्द का क्या अर्थ है। मुझे आदेश के रूप में प्राप्त हो रहा है, अपने चित्त को, मन को, इंद्रियों को एकाग्र किए, लेकिन अपने आप वे समर्थ नहीं हो पा रहे थे, कैसे करें क्या करें, लेकिन संकल्प किए कि निश्चित रूप से मुझे कोई आदेश दे रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी अपने चित्त को एकाग्र करके संकल्प कर रहे हैं कि मैं इस आदेश का पालन करूंगा। इस संकल्प से स्वयं भगवान उनके हृदय में ज्ञान दिए और तप करने की विधि सारा तौर तरीका बताए। इसे भगवान के तप किए ब्रह्मा जी और तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी पर प्रसन्न हो गए। और इसके बाद और भी ज्ञान, जो ज्ञान अद्वैत तत्व ब्रजेन्द्र नंदन से लेकर सृष्टि व्यापार का सारा ज्ञान, किस तरह से सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण की उत्पत्ति होती है, गुणों से किस तरह से जगत की सृष्टि होती है, और जो काल है वह क्या है, इस प्राकृत जगत की सृष्टि कैसे होती है, इसमें जीवों का परस्पर मिलना रहना पालन कैसे होता है, और इसके अतिरिक्त जो अप्राकृत जगत है वैकुंठ, उसका स्वरूप क्या है, सब कुछ बताए। भगवान अपने स्वरूप का भी वर्णन किए, किस तरह से ज्ञान दिए उनके हृदय में। तो अहम तोषित सम्यक वेद गर्भ से शिक्षया चिरम भृते न तपसा दुष्टोष कुट जोगी नाम। जो ज्ञान मैं तुमको देने जा रहा हूँ उसको चीर काल तक तपस्या करने वाले जोगी जन भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ब्रह्मा जी के लिए सबसे बड़ी समस्या थी मैं कौन हूँ, इस जगत क्या है, सृष्टि व्यापार क्या है। तो ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हो रही है कि आप सबके अंतःकरण में विराजमान परमात्मा रूप से रहते हैं, लेकिन मैं इस स्वरूप को नहीं जान पाता हूँ। आप माया के स्वामी हैं, आप माया के द्वारा जगत की बुद्धि भ्रमित कर देते हैं, इस जगत की सृष्टि मकड़ी की तरह करते हैं, फिर उसी को समेट लेते हैं। आप कृपा करके मुझको सजग कीजिए कि मैं आपकी आज्ञा पालन करने में अभिमान न कर बैठूं। जावत सखा सखुरिवेश ते कृतः, आपने मुझको शिष्य नहीं अपना मित्र बनाया है। प्रजा विसर्गे विभजाम भोजनम अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्ध मदो जमानिनः। इस प्रकार जैसे हाथ मिलाए हैं वैसे निर्वाह कीजिए, अतः मैं आपकी सेवा में सृष्टि रचना में लगूं सावधानी पूर्वक। तब भगवान ब्रह्मा जी के प्रेम भक्ति के वशीभूत होकर कहे कि मैं तुमको अत्यंत गोपनीय ज्ञान देने जा रहा हूँ। ज्ञानम परम गुह्यम ते यद विज्ञान समन्वितम, तुमको मैं ज्ञान देने जा रहा हूँ। सरहस्य तदंगम च गृहाण गलितम मया, मैं अब अपने स्वरूप का ज्ञान तुमको दूंगा। यावान अहम यदा भाव, मैं जितना हूँ, जो हूँ, मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, यद रूप गुण कर्म का, मेरे जितने जैसा रूप और लीलाएं हैं, तथैव तत्व विज्ञानम, उन सारे ज्ञानम ज्ञान को अस्तु ते मदनुग्रहात, मेरे उपदेश से, मेरी कृपा से वो ठीक ठीक तुमको अनुभव हो, आशीर्वाद दे रहे हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पंचादहम यतैस्तश्च यो अशिषेत सोस्म्यहम। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही अपने धाम में लीलायमान था, इस प्रकार ये सत असत जो भी कुछ दिख रहा है मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, मैं ही इस अनंत चेतन जीवात्मा के रूप में हूँ और इस बाह्य प्रकृति के रूप में मेरी ही सृष्टि है। और इसके बाद जब प्रलय हो जाता है तब अवशेष के रूप में जो बचता है वो मैं हूँ, इसलिए मेरा नाम शेष है। रीते अर्थम यत प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि यत विद्यादात्मनो मायाम यथा भाषो यथा तम। मेरे अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है, मेरे आश्रय के बिना अपने आप जो प्रतीत नहीं होता, और मेरे आश्रय के बिना जिसकी कोई प्रतीति नहीं होती उसे मेरी माया जानना चाहिए। रीते अर्थम यत प्रतीयत, जो सत्य है वो प्रतीत तब होता है, न प्रतीयत चात्मनि, अपने आप प्रतीत नहीं होता है। यद विद्या आत्मनो माया में यथा भाषो यथात्म, इस श्लोक में माया के स्वरूप बतलाने का कोशिश कर रहे हैं भगवान, जिसकी अनुभूति नहीं हो पाती, अंधकार की सृष्टि भी मेरे द्वारा होती, उसका भी मैं ही कारण हूँ, और फिर उस माया के पार जो वास्तविक वस्तु है वो भी मैं ही हूँ। यथा महांति भूतानी भूतेषु चा स्वचे स्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। सृष्टि के जो कारण है, अवयव है, जो उपादान है, वो भगवान है।
इसमें जैसे पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश बनता है, उसी प्रकार बड़ा छोटा ऊंच नीच भूतेषु ऊंचा वचेषु बड़ा और छोटा एक दूसरे में मिला हुआ है। यथा महान्ति भूतानि, बड़ा जीव छोटा जीव बड़ा पदार्थ छोटा पदार्थ एक दूसरे में फंसा हुआ है, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों के हृदय में भी रहता हूँ और बाहर भी उनको अनुभूत होता हूँ। भक्ति के रहस्य को अंतिम में बतलाते हैं, ज्ञान को, ज्ञान और भक्ति को। ए ताव एव जिज्ञासम, यही एकमात्र जिज्ञास है, तत्व जिज्ञासुनात्मन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। गुरुदेव के पास यही मेरे स्वरूप जो ऊपर कहा वही प्रष्टव्य और सृष्टव्य है, वही पूछने लायक है और वही सुनने लायक है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा का अर्थ है अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय कहते हैं क्रमशः ठीक ढंग से विधि पूर्वक विधि वाक्य, और निषेध कहते हैं उल्टे रूप से निषेध पूर्वक व्यतिरेक। निश्चित सिद्धांत यह है कि भगवान ही आराध्य है, उनकी आराधना करना चाहिए, यह अन्वय है। एक प्रसिद्ध श्लोक है, सततम अस्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातचित सर्वे विधि निषेधा शिव एत एव रेव किंकरा। भगवान का सदा स्मरण करना चाहिए, यह विधि, इसको अन्वय कहते हैं। निषेध क्या है, विस्मर्तव्यम न जातचित, कभी भगवान को नहीं भूलना चाहिए, तो इसको कहते हैं व्यतिरेक। जितने विधि निषेध हैं शास्त्र में, इसी दो विधि निषेध के नौकर हैं, किंकर हैं। सुबह भोर में उठना चाहिए, मंगला आरती जाना चाहिए, आरती में भाग लेना चाहिए, बैठकर हरिनाम जप करना चाहिए, भागवत पाठ करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, चाहिए चाहिए हजारों चाहिए विधि है, 64 भक्ति के प्रकार है, नौधा है, जो भी है, वो केवल इसलिए है कि भगवान को सर्वदा याद रखना है। सत्तम स्मर्तव्यम विष्णु, भगवान को नहीं भूलना है, और इस निषेध के पीछे मांसाहार नहीं करना चाहिए, नासाहार नहीं करना चाहिए, अवैध स्त्री संग नहीं, जुआ नहीं, नामापराध नहीं, सेवापराध नहीं, वैश्वापराध नहीं, नहीं नहीं जितना नहीं है सब केवल इसलिए है कि भगवान को नहीं भूलना है। अगर भगवान का सदा याद होता रहे और भगवान को नहीं भूला जाए तो किसी विधि निषेध की जरूरत नहीं। अन्वय रूप से भगवान ही आराध्य हैं, जिज्ञास हैं, उनको जानना चाहिए। व्यतिरेक भाव से उनको नहीं भूलना चाहिए, यह सिद्धांत है। केवल मेरी साधन भक्ति ही सदा सर्व काल में सर्वत्र सभी स्थानों में अनुष्ठेय है। हरि सर्वत्र सर्वदा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, यह है भगवान के द्वारा चतुर्थ श्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी इस उपदेश को नारद जी को दे रहे हैं एकदम हूबहु एज इट इज। नारद जी इसी ज्ञान को व्यास को दिए, तो इसी का विस्तार भागवत है। अब 10वां अध्याय, अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणमूतय मनवंतरे सानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। इस भागवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 तत्व हैं, 10 विषय का वर्णन है। दशम अस्य विशुद्ध अर्थम नवाना मिह लक्षणम, जो 1, 2, 3, 4 करते हुए 10वां तत्व वर्णन हुआ, सर्ग विसर्ग वर्णन करते हुए अंत में आश्रय तत्व का वर्णन हुआ, दशम अस्य इन 10ों के अंदर जो 10वां है अंतिम है विशुद्ध अर्थम, उसी के अर्थ को और फाइन करने के लिए नवाना मिह लक्षणम 9 लक्षण का वर्णन है, कहीं श्रुति से कहीं वेद से कहीं तात्पर्य से उनके अनुकूल भाव से। बड़यंती महात्मानं सुते नार्थे न चांजस, महात्मा लोग 10 तत्व की व्याख्या करते हैं, सत्य कहिए तो 1 तत्व का वर्णन है भागवत, एक ही विषय का वर्णन करता है, वो वर्णन है वो तत्व है आश्रय तत्व, आश्रय जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, आश्रय तत्व है भगवान। और उसी आश्रय तत्व के वर्णन करने के लिए उसका एनालिसिस किया गया है 9 तत्व के रूप में, विश्लेषण किया गया है। दशम अस्य विशुद्ध्यर्थम, इस 10 को फोकस करने के लिए 9 लाइट लगाया गया है, ये 9 रूप में जो वर्णन किया गया है नवाना मिह लक्षणम 10वां को क्लियर करने के लिए। भूत मातेन दिया धियाम जन्म सर्ग उदाहृत ब्रह्मणो गुण वैश्म्याद विसर्ग पौरुष स्मृत,
गुणों में क्षोभ उत्पन्न करा करके जो अहंकार उत्पन्न कराया जाता है, आकाश आदि पंचभूत तन्मात्रा इंद्रिया महत्त्व ये उत्पन्न होता है ईश्वर के द्वारा, उसको सर कहते हैं कि भूतानी आकाश आदिनी मात्राणी शब्दादिनी इंद्रियाणी धी शब्दे न महद अहंकार गुणानाम वैषम्यात परिणाम ब्रह्मण परमेश्वरात कर्तुम भूतादीनाम च दिराड रूपेण स्वरूपतश्च जन्म ससर्ग। जब सम्यावस्था में पड़ी हुई प्रकृति पर भगवान दृष्टिपात करते हैं और प्रकृति के गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है तब सृष्टि चालू होता है। इसके बाद विसर्ग का वर्णन करते हैं, ब्रह्म सर्ग अस्थूल शरीर रचना पुरुषो वैराज तत्कृत पौरुषा चराचर सर्गो विसर्ग इत्यर्थ। ब्रह्मणो गुण वैषम्याद, ब्रह्मा इस गुणों में वैषम्याद कुछ चेंजेज करके केमिकल चेंजेज करके विसर्ग पौरुष स्मृत। जब भगवान के दिए गए सर्ग में ब्रह्मा कुछ बढ़ाते हैं तब वो विसर्ग सृष्टि का विस्तार होता जा रहा है। तो उनको कुछ दिया गया है पंच तत्व पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि तो वृक्ष बना दिए और फिर ब्रह्मा के सृष्ट मनुष्य लोग इतने विविध प्रकार के फर्नीचर तैयार कर दिए उसी लकड़ी से घर मकान बना देते हैं, ये सब विसर्ग है। अब स्थिति, स्थिति वैकुंठ विजय, स्थिति माने स्थानम रीतेन सत्येन जो जगत व्यवस्था, रीतेन सत्येन जो सत्य के द्वारा इस जगत की जो व्यवस्था है जिसे जगत टिकता है वो है स्थिति स्थान। वैकुंठस्य भगवतो विजय शिष्टानाम तत्त मर्यादा पालनेत कर्षः स्थिति स्थानम, सृष्टि को मर्यादा में रखने के लिए जो भगवान की उत्कर्षता है वो है स्थान। जिस शक्ति से जिस कृपा से जिस पावर से भगवान इस जगत को कंट्रोल रखते हैं स्थित रखते हैं, सृष्टि को मर्यादा में रखने के लिए जो भगवान की उत्कर्षता है जो शक्ति है उसको स्थिति कहते हैं स्थान कहते हैं। पोषणम ईश्वरस्यानुग्रहेण प्रजानम परिपालनम, अपने अनुग्रह से भगवान जगत की पालन करते हैं। अच्छा इसको श्रीधर स्वामी और डिटेल करते हैं, स्व भक्तेषु तस्यानुग्रह पोषणम, भगवान अपने भक्तों को स्पेशल टेक केयर करते हैं इसको अनुग्रह कर। तो इस तरह पोषणम और पोषणम के बाद ऊति, उतयह कर्म वासना, ऊति को कहते हैं कर्म वासना, जगतो रचना हेतु कर्म वासना जो बंधन में डालती है, कर्मानुसारणी वासना होती है, जैसा हम कर्म किए हैं वैसा हमारा संस्कार होता है और वैसी वासना हो जाती है और वासना के कारण हम विविध प्रकार के फेरे में पड़ जाते हैं। कुछ वासना सत होती है कुछ असत होती है और कुछ मिक्स होती है। तो भक्तों की वासना सत है और जो भक्त नहीं है उनकी असत है, संसार को भोगना चाहते हैं। जैसे प्रहलाद, प्रहलाद सत वासना से युक्त है और हिरण्यकश्यपु असत वासना से युक्त है, संसार को भोगना चाहता है, इसका वर्णन है। मनवंतरम, मनवंतर कहते हैं मनोपंथा, इस जगत को चलाने के लिए मनु महाराज ने एक संविधान दिया है मनु संहिता, उसको मनवंतर कहते हैं। एक मनु से दूसरे मनु के अंतर को मनवंतर कहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बीतते हैं तो एक मनु का शासन काल 71 चतुर्युगी होता है। मनु महाराज जो संविधान लागू करते हैं मानव समाज के लिए उसका पालन मनवंतर है। अच्छा सातवां टॉपिक है ईशानु कथा, ईशानु कथा में तीन शब्द है ईश अनु और कथा। ईश मतलब भगवान, अनु मतलब भगवान के अनुगत भक्त और कथा माने कथा। तो जिसमें भगवान और भक्त की कथा है उसको ईशानु कथा कहते हैं और भगवान के अनुगत भक्तों की कथा को ईशानु कथा कहते हैं। ईशानु कथा के दो अर्थ करते हैं ईश अनु कथा तीन, अथवा ईशानु कथा ईश भगवान के अनुगत की कथा भगवान के भक्तों की कथा। तो भागवत में भगवान के भक्तों की कथा है नौ मस्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश की। हरे अवतारानुचरितम अस्यानुवर्तिनम च सत्कथा ईशानु कथा प्रोक्ता इत्यर्थ। इसके बाद आठवां टॉपिक है भागवत का निरोध, दुष्टानाम राज्ञा विध्वंस, दुष्ट राजाओं का विनाश। अस्यात्मनो जीवस्य हरेर जोग निद्रा मनुपश्चात शक्ति मिश्रेण मिश्रोपाधि भी सह शयनम लयो निरोध। भगवान जब सारे जगत को पोस्टपोन्ड करके शयन करते हैं सोते हैं तो उसको निरोध करते हैं पढ़ लय, या अपने रूप लीला
माधुरी से भगवान जब अपनी ओर खींचते हैं, भगवान इस प्राकृत जगत के संसार के इन व्यामोह से हटाकर जब अपनी माधुरी प्रस्तुत करते हैं, ब्रज माधुरी, अपनी रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, और उस माधुरी में आकर्षित होकर जब जीव खींच जाता है पूरा पूरा, इसको निरोध कहते हैं। तो निरोध में कुछ लोग दशम स्कंध को कहते हैं भगवान की दिव्य लीला कथा, और कुछ लोग बारहवां स्कंध में परलय को कहते हैं। दशम स्कंध को निरोध और आश्रय दोनों कह देते हैं। मुक्ति, ये है नौवां टॉपिक। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूपम अविद्याध्यस्तम कर्तृत्वादि हित्वा स्वरूपेण ब्रह्मतया व्यवस्थिति थी मुक्ति। अन्यथा रूपम, अन्यथा रूपम मतलब जो हमारा असली रूप नहीं है, बनावटी रूप, हमारा जो स्वरूप है उससे हटकर जो हम दूसरा रूप धारण कर लिए हैं इस प्राकृत जगत में, यह अन्यथा रूप है। अन्यथा रूप को छोड़कर स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप में स्थित हो जाना, ये है मुक्ति। अन्यथा रूपम मतलब अविद्याध्यस्तम, अज्ञान से भरा हुआ रूप, कर्तृत्वादि, हम करता है, अहम मम, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, भारतीय हूँ, ये हूँ, वो हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, यह रूप छोड़कर जब हम कृष्ण दास की स्थिति में आते हैं, ब्रह्मतया व्यवस्थिति, मैं कृष्ण दास हूँ, कृष्ण की सेवा मेरा कर्तव्य है, इस स्थिति में जब आ जाते हैं इसको मुक्ति कहते हैं। जो फसावट वाला रूप है वो छोड़कर जो दास वाला रूप है उसमें आ जाना, ये मुक्ति है। इसके बाद आश्रय, आपाशयश्च श्री कृष्ण शरण मम इति कृष्णपति भक्तस्या आत्मनिवेदनम सर्वाश्रयम्। श्री कृष्ण ही मेरे शरण है और वही इस जगत के कारण है, वही सबके आश्रय है, वही बेस है, उन्हीं का शरण लेना चाहिए, यह है आश्रय तत्व। श्री कृष्ण सर्वाश्रय, ये दशम स्कंद में, बारहवें स्कंद में। आभास सृष्टि निरोध लयश्च भवत्य ध्यवसियते प्रकाशते च स परम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति प्रसिद्ध आश्रय कथ्यते। जो प्रसिद्ध आश्रय है जिनको तत्वेता लोग भगवान ब्रह्म परमात्मा कहते रहते हैं, वह है आश्रय तत्व ब्रजे नंदन श्री कृष्ण। तो इन तत्वों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। फिर कल से तीसरा स्कंद प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।